आज के इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कैसे पता करें, है ना। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होता है ना। तो चलिए हम यहाँ से अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आपको एक वेबसाइट सर्च करना होगा जिसका नाम है UDI। तो यहाँ पर चलिए हम सर्च कर लेते हैं UDAI, इसे आपको कर लेना है सर्च, है ना। तो यहाँ पर मैंने UDI वेबसाइट को कर लिया है सर्च। अब आपको यहाँ पर पहले ये नंबर पर आपको UDI देखने को मिल जाएगी, आपको इसी पर कर देना है क्लिक, ठीक है। तो चलिए हम UDI पर यहाँ पर क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी भाषा आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी है, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी, है ना। आपको जो भी भाषा रखना है मराठी आपको यहाँ पर ले लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ आ गया है इंग्लिश के स्थान पर। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना है इस तरह से, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखना होगा चेक आधार स्टेटस, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चेक आधार स्टेटस, आपको इसी पर कर देना है क्लिक। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं चेक आधार स्टेटस पर। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है, इस तरह से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं चेक आधार वैलिडिटी, आपको सिंपली इसी पर कर देना है क्लिक। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर बोलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर आधार नंबर और यहाँ पर कैप्चा कोड आपको डालना होता है ना। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना होता है। अगर आपको कैप्चा कोड नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश करके आप कैप्चा कोड को बदल भी सकते हैं, है ना। चलिए आपको बदल के दिखाते हैं। यहाँ पर आपको रिफ्रेश पर क्लिक कर देना, आपको यहाँ पर दूसरा कैप्चा कोड आ जाएगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर अभी देखना आप दूसरा कैप्चा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चा बदल गया है। तो चलिए हम इसी वाले कैप्चे को यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल टी 843BF। उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसेड, आपको इसी पर कर देना है क्लिक, है ना। तो चलिए हम प्रोसेड पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर सारा बायोडाटा यहाँ पर खुलकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज बैंड, जेंडर मेल है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। आपका जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक होगा आधार कार्ड में, आपको लास्ट का 3 अंकों का आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप इसी तरह से आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है आप इसी तरह से पता कर सकते हैं, है ना। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।